आज के इस वीडियो में आप लोग को हम दिखाने वाले हैं, आप लोग फेसबुक पेज यूज करते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, दोस्तों आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज था लेकिन दोस्तों फेसबुक की तरफ से आप लोग को रस्टिकेट कर देते हैं और आपका जो पेज है वो डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। वहां पे दोस्तों आप लोग को इश्यू ये आता है कि अनओरिजिनल कॉन्टेंट और रिपर्पज कॉन्टेंट की वजह से आपका पेज को डीमोनेटाइज कर दिया गया है। इसी तरह का दोस्तों आप लोग का साथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, हो गया है, तब भी दोस्तों आप लोग को कोई घबराने का बात नहीं है, कोई टेंशन करने का बात नहीं है। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इसमें दोस्तों आप लोग को अनओरिजिनल कंटेंट और रिपर्पज कंटेंट जो है उसका बारे में हम दोस्तों फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। बताने का बाद दोस्तों आप लोग आपका पेज को फिर से आप लोग रिव्यू में बेच सकते हैं, 100% आपका जो पेज है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं लैपटॉप का। दोस्तों मैं लैपटॉप का स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को मोनेटाइजेशन ऑप्शन जो है इसका ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने का बाद दोस्तों आप लोग का सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विथ रस्टिकेट मोनेटाइजेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रस्टिकेटेड मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे सीधा पॉलिसी इश्यूज जो है इसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसेंट वायलेशन मोनेटाइजेशन टोल रस्टिकेटेड मोनेटाइजेशन और दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू। तो दोस्तों आप लोग रिव्यू में पहले मत भेजिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, देखने के बाद दोस्तों बाद में आप लोग इसको रिव्यू में भेजिए। तो दोस्तों ये जो रेस्टिकेटेड मोनेटाइजेशन है ये किस लिए हुआ है और किस लिए फेसबुक की तरफ से उसको डीमोनेटाइज कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेज का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे शेयर्ड कंटेंट दैट वाज अनओरिजिनल और पर्पस रिपर्पस content for other source with limited ad below your videos may be claimed and monetization by the right holder। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पहले unoriginal content क्या है और repurpose content क्या है इस दोनों का बारे में आप लोग को पहले जानना है, उसका बाद जाके आप लोग इसको रिव्यू में भेज सकते हैं, 100% आपका पेज जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आप लोग को इस दोनों का बारे में समझाने वाला हूँ, आप लोग इस दोनों का बारे में पहले समझ लीजिए। इसके पहले दोस्तों आप लोग को मैं योर वीडियोस माई बी क्लेम्ड एंड मोनिटाइज्ड बाय द राइट होल्डर पेज में जो क्लेम आया हुआ है इसमें ऐसा कोई भी एक वीडियो होगा जो इसका ओरिजिनल ओनर कोई दूसरा और है, इसीलिए इस पेज में ऐसा क्लेम आया हुआ है और मोनेटाइज डीमोनेटाइज हो गया है। अनओरिजिनल और रिपर्पज कंटेंट आप लोग समझ लीजिए। अनओरिजिनल और रिपर्पज कंटेंट दोस्तों आप लोग फेसबुक पेज चलाते हैं लेकिन दोस्तों आप लोग कहीं से भी फोटोज या वीडियोस आप लोग डाउनलोड करके थोड़ा भी क्लिप आप लोग का वीडियो में अगर लगा के आप लोग अपना पेज में अपलोड करते हैं तो दोस्तों ये जो अनओरिजिनल कंटेंट है इस ये कंटेंट को समझाता है। तो इस कंटेंट को आप लोग कैसे पहचानेंगे आप लोग दोस्तों, इसमें और एक बात समझा देती हूँ। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग तो वीडियो डाउनलोड किया, फोटोज डाउनलोड किया लेकिन इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं था और हमने थोड़ा क्लिप डाला या ज्यादा क्लिप डाला इसमें कोई मतलब ही नहीं है, वाटरमार्क है या नहीं है। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वहां पे दोस्तों अच्छे से पहचान लेते हैं, फेस से और वीडियो से वो लोग पता लगा लेती हैं कि ये दूसरे का कंटेंट है। जब वहां पे उस ओनर ने कॉपीराइट क्लेम की थ्रू आपका चैनल को डीमोनेटाइज कर सकते हैं। आप लोग ये अनओरिजिनल और रिपर्पज कंटेंट आप लोग का पेज में कैसे आप लोग पहचानेंगे, इसके लिए दोस्तों आप लोग को अपना जो वीडियो का कंटेंट है वहां पे जाना है। इसी तरह का कंटेंट होगा आप लोग का सामने, आप लोग को सारे वीडियोस और फोटोस आप लोग को फिर से रिव्यू करना है एक एक करके। कहीं वीडियो या कहीं फोटोस में अगर दूसरे का कोई वीडियो है या दूसरे का कोई फोटोस है तो दोस्तों आप लोग
अपना चैनल को फिर से रिव्यू कीजिए। रिव्यू करके आप लोग वहां से वीडियो या फोटोज को आप लोग हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ये जो अनओरिजिनल और रिपर्पस कंटेंट है, आप लोग जब दोस्तों ये डिलीट कर देंगे आपका चैनल से, पेज से, तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे जाके आप लोग फिर से रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू में जाके या इसमें जाके आप लोग फिर से इस पेज को रिव्यू में डाल सकते हैं। जब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग डिलीट नहीं किया, नहीं हटाया अपना पेज से, जितना बार आप लोग रिक्वेस्ट रिव्यू में भेजेंगे आपका पेज दोबारा कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिव्यू रिक्वेस्ट या रिव्यू दिस यूज लेटेक्स 2 to 3 days। यहाँ पे दोस्तों आप लोग मिनिमम 24 आवर्स या मैक्सिमम 72 आवर्स का अंदर आपका पेज जो है रिव्यू में डालने से आपका पेज ठीक हो जाएगा, ये 100% है। तो दोस्तों हमने अभी आप लोगों को अभी समझा दिया हूँ रस्टिकेटेड मोनेटाइजेशन और अनओरिजिनल और रिपर्पस कंटेंट जो है इसका बारे में हम समझा दिया है। आप लोग अगर फेसबुक पेज यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, आपका पेज कभी भी डिमोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक है। अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।